my YouTube channel. तो आज सुबह जो है मैं मम्मा के घर पर आई हूँ. मुझे काम पे जाते हुए छोड़ते हुए चले गए थे. तो मैं सुबह 11 बजे आ गई थी. सब सो रहे थे घर में, मैं आ गई थी, मम्मा उठी थी. और बस मैं एक दिन के लिए आई हूँ, कल मैं चली जाऊँगी. तो आज जो है हम लोग जा रहे हैं हुसैनाबाद का फूड स्ट्रीट ट्राई करने के लिए, मैं अपनी फैमिली के साथ. तो बस उसी का मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ. और आप लोगों ने बहुत सारे व्लॉग्स रेगुलर बनाने का कहा है, लेकिन मैं बना नहीं सकती क्योंकि कुछ होता ही नहीं है बनाने के लिए. हम हुसैनाबाद के जो स्टॉल्स होते हैं फूड स्ट्रीट पे, जो स्टॉल्स लगे होते हैं उसमें बहुत मज़े के खाने होते हैं. तो आज हम वो ट्राई करेंगे और इसी बहाने मेरा व्लॉग भी हो जाएगा. और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग मैं मुईज़ के साथ बनाऊंगी. तो चलते हैं अभी हुसैनाबाद. इन स्पेशल फूड कपों के बारे में ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं था भाई साहब ने. अब हम हुसैनाबाद आ चुके हैं और अब हम स्टॉल्स पे रुकेंगे और देखेंगे क्या खाना है. तो हम हुसैनाबाद अब आ चुके हैं. अब स्टॉल देखते हैं कौन से स्टॉल पे जाते हैं और क्या खाना है. मम्मा है, नाबिया, आबी और अफाम भी है. अक्षर को पैसे दे रहे हैं शवरमा, क्योंकि हम खाते नहीं हैं तो इसलिए हम नहीं खा रहे हैं इसको. हम कुछ नया ट्राई करते हैं. हम आए हैं बुरहान पे, हाउस ऑफ चाइनीज एंड खालसा. खालसा खाएंगे सबसे पहले. हाँ, यहाँ पर खालसा रेडी हो रहा है. मैंने कभी भी खालसा ट्राई नहीं किया है. और अफाम भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसका भी चैनल देख लीजिएगा अफाम खान के नाम से. तो ये हमारा खालसा आ गया. हमने एक इसलिए लिया क्योंकि ये बाउल बड़ा है और हमने सिर्फ टेस्ट करना है, इसलिए हम बस चखेंगे. तो अभी मैंने खालसा ट्राई किया, ये बहुत ज़्यादा टेस्ट, बहुत अच्छा खालसा है. आपको कैसे लगा? आपको कैसे लगा? बहुत टेस्टी खालसा है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा. रिकमेंडेड है बुरहान के नाम से. मैंने वैसे खालसा कभी खाया नहीं है और ना ही कभी ट्राई किया. मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है लेकिन मुझे अच्छा लगा. तो मैं 8.5 रेट करूँगी आउट ऑफ 10. और खालसे के प्राइस ही बहुत अच्छे थे, बाउल बहुत बड़ा है. 350 का खालसा है, आप ट्राई कर सकते हैं. ये 2% होगी जो ज़्यादा खाने वाले हैं. शर्मिंग 2% है, 350 में. तो हम आए हैं, इसका क्या नाम है, दुबई अम्ब्रेला. दुबई अम्ब्रेला नाम है. और इधर से हम एक लिमका ट्राई करने वाले हैं. कौन सा लिमका लेना है? मार्गरीटा लेमन क्रश्ड. मार्गरीटा लेमन क्रश्ड लेंगे जो कि है 150 का. मार्गरीटा नहीं है, लेमन है. मार्गरीटा के पास अवेलेबल नहीं था अभी. 150 का ग्लास है और फ्लेवर बहुत अच्छा है. 100 का ग्लास है, फ्लेवर बहुत अच्छा है. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल पे. हमारे मोमोज ट्राई करने के लिए मैंने वेज स्टीम मोमोज लिए हैं. सो लेट्स ट्राई. ये हमारे 5-पीस मोमो आ गए, 300 के 5-पीस मोमो. मम्मा को अच्छे नहीं लगेंगे. मैं ट्राई करती हूँ. अच्छे हैं यार. मैं ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ ना, ऐसी चीज़ें मैं खाती नहीं हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा. लेकिन मज़े के हैं बहुत अच्छे. जो चाइनीज़ खाते हैं ना वो खा सकते हैं. टेस्ट अच्छा है ना. 300 के 5-पीस है, अच्छा है. शक्कर थोड़ी बैलेंस हो गई लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा. और इनसे हमने लिए मोमोज, यम्मी बाइट्स के मोमोज हैं, मस्ट ट्राई. कौन सा कॉर्न डॉग लिया है? इनका एक ही है स्पेशल कॉर्न डॉग विद चीज है. हाँ, 4-6 आ चुका है कॉर्न डॉग. बहुत ही साइज में मुझे समझ नहीं आ रहा. कितने का है?
400 का इतना बड़ा साइज है, आप फेस करके देखो। शूट करो, चलो भाई। बहुत गर्म होगा अभी। तो करो। बहुत गरम गरम खा लिया, टेस्ट समझ नहीं आ रहा अभी। अच्छा टेस्ट अच्छा है। अंदर की फिलिंग दिखाना जरा, क्या है अभी तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इसके अंदर कॉर्न डॉग है, इसके अंदर चीज है, चीज आई है, और इसके अलावा आलू है। चुप करो। इसके बाहर जो आलू के पीसेस लगे थे ना, हाँ छोटी छोटी। मैं कॉर्न डॉग चखती हूँ, इसको खाना बड़ा ही मुश्किल है भाई। अच्छा जो कॉर्न डॉग है ना, वो बहुत ही मैसी है खाने में, आप पब्लिक प्लेस में उसको खा नहीं सकते हो, और बहुत हैवी भी है। बस ठीक था, मैं उसको रेट करूँगी 7/10। पहला चाव मनी हाइस्ट की थीम पर इन्होंने ये बना के रखा हुआ है। फ्राइज़ ही है, प्लेन फ्राइज़ को तो मैं दूंगी 10 में से 7, इतने कोई ख़ास नहीं है। फ्लेवर ना फ्राइज है ना, मसाला अच्छा है, मसाला सिर्फ अच्छा, क्रिस्पी भी नहीं है इसमें। अब यहाँ पर मम्मा ने मुझे मेरे लिए गजरे लिए हैं, गजरे बनाएंगे। चिप्स की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन फ्लेवर मसाला अच्छा। थैंक यू। अब ग्रेवी मैं आप ही को भी पिना रही हूँ। आप ही चलिए, मैं गजरे नहीं पहनती। एक महीने बाद चली जाएगी वैसे, एक डेढ़ महीने। ओके नाउ तो हमारे दिल पसंद पिशावरी चपली कबाब पे। हाँ इनके चपली कबाब मैंने एक ही दफ़ा खाए थे, और फिर मैं खा बहुत ही इतनी तारीफ करी, बहुत बहुत टेस्टी होता है। ये आप ही खा लो चपली कबाब, लेट्स ट्राई। दो चपली कबाब बहुत ही दे रहे हैं, 5 मिनट से प्लेट में पार्सल प्लेट में। ओए होए होए, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा ही हो गया। और ये हमारे आ गए मज़ेदार चपली कबाब, फ्राई में चटनी रायता, और ईच कबाब आपको मिलेगा 50 में, मतलब 100 की प्लेट है। लो ट्राई करो, मैंने ट्राई कर लिया, बहुत ही मज़ेदार है। छोड़ो मम्मा, बहुत ही क्रंची मसालेदार विथ फ्राइड मिर्ची भी खाना। बैंग है ना, बहुत ज़बरदस्त बना है, और विथ मिर्ची है ना, मेरी फेवरेट लिस्ट में आ गया है ये। चपली कबाब को मैं दूंगी 10 में से 10, है ना, 10 में से 10। मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, और आप लोगों को भी कर रही हूँ, पिशावरी मेरे पसंद पिशावरी चपली कबाब ज़रूर ट्राई कीजिए। 50 रुपये का एक चपली कबाब है, मतलब 100 रुपये के और हम 4 रुपये का खा रहे हैं, सिर्फ 50 रुपये का। हाँ और इतने जूसी और मज़ेदार। इतना सब खाने के बाद अभी हजम करने के लिए चाहिए हमें कोल्ड ड्रिंक, जिसकी बहुत शदीद ज़रूरत है हम सबको। हवा भी बहुत ही तेज चल पड़ी है, एकदम शाम से ही चल रही थी वैसे। ये ना भी पानी पियेंगी, हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। अब हम आए यहाँ पे बन कबाब खाने के लिए, MBC के नाम से कुछ है, नेमन फाउंडेशन के सामने। कोक लिए मैंने, ये बन कबाब ट्राई हो रहा है। मैं तो गरम, ये तो है ही अच्छा वैसे। हाँ पंच रोड के बन कबाब और इक्की वाले बन कबाब, आजाद बन कबाब और यहाँ। हाँ ये बात है, देखने वाला चल। अभी हमने जितना खा सकते थे सब खा लिया, ट्राई कर लिया, सब बहुत अच्छा लगा, सबकी रेटिंग भी दे दी। और अब लास्ट हम ले रहे हैं पान लेते हैं, सादा खुशबू का पान लेते हैं। हमारा पान आ चुका है, लेकिन ये मैं अभी नहीं खा रही, मेरा पेट इतना फुल हो गया है, गुंजाइश ही नहीं है, घर जाके खाऊं। बना रहे सो अनाबिया और मैं आए हैं वनीला पेस्ट्री लेने, बिकॉज अनाबिया और मेरी फेवरेट है ना वनीला पेस्ट्री। क्या हुआ है हमारे साथ,
पेस्ट्रीज तो खैर मिली नहीं, लेकिन अनाबिया के लिए हमने ये वाले कपकेक लिए। आई डोंट लाइक चॉकलेट तो इसलिए मैंने नहीं लिया, अनाबिया के लिए ले लिया। तो हम लोग अब घर आ चुके हैं, सब कुछ खा पी के पेट बिल्कुल फुल हो गया है। हम चार लोग थे, पांच लोग, और हमारा 3000 में हो गया ना, 3000 में रेंट के साथ, रेंट के साथ 3000 में जौहर से हुसैनाबाद का रेंट। और 3000 में हमने सब कुछ खाया पिया और सब बहुत अच्छा था, वर्थ इट था। बड़े रेस्टोरेंट्स में जितना बिल बनता उससे बहुत कम बना, और हम लोगों ने खाना भी सही से पेट भर के खाया, इंजॉय भी बहुत किया, और हवा भी बहुत चल रही थी तो इतना कोई वो भी नहीं था मसला। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो लाइट जा चुकी है और अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।